बच्चों के परवरिश में आठ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आठ सूचनाएं या आठ तरीके जिससे आप बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तंत्र महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नंबर एक, बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम है, मतलब उनका खुद के बारे में खुद का मत या उनका आत्मसम्मान, वो हरदम बरकरार रखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि उसको कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बोलना, नीचा दिखाना, उसको बोलना क्या तुमको समझता नहीं, क्या अक्ल नहीं, क्या गधा है क्या तू, मतलब इस तरह का ऐसा दूषण देना, कंपेयर करना लोगों के साथ में, बाकी बच्चों के साथ में, तो ये सब करने से उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई वैल्यूएबल नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं तो एकदम गया भी था। तो हरदम आत्मसम्मान उनका कायम रखो, उनका आत्मसम्मान जो है वही उनको बड़ा बनाएगा, नंबर एक। नंबर दो, आप उनको अच्छा करते हुए पकड़ो। हम क्या करते हैं, बुरा करते हुए पकड़ते हैं। मतलब पानी बहुत ज़्यादा गिरा रहा तो बोले अरे इतना पानी गिरा रहा है क्या कर रहा है, बहुत आवाज़ करा कहीं, बहुत ठोक रहा जोर जोर से, अरे ठोको मत ऐसा बोल, तो क्या करो मत। उस समय उनको टोकते हैं, रोकते हैं, ठोकते हैं, जो भी करते हैं, हमने उनको पकड़ना है अच्छा करते वक्त। यदि शांति से बैठ के खाना खा रहा है, बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उसने ऐसे अंगूठा नहीं चूसा या नखून नहीं चूसे, बोलना बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल हाथ दूर रख के बहुत ही अच्छे दिख रहे हो और अंगूठा नहीं चूस रहे, वेरी गुड, मतलब ऐसा उनको पकड़ना है कि जो अच्छे काम कर रहा है, शांति से बैठा है तो उसको एक्नॉलेज करो, तो डेफिनेट उसका फ़ायदा होगा। तीसरा है डिसिप्लिन लगाओ, अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि एक बार आपने कायदे कानून घर में बना लिया, फिर उसमें कोई निगोशिएशन नहीं होना। एक बार बता, ये ऐसा हो गया कि ये कायदे कानून हमारे घर में चलेंगे, इस तरह का सबने मान लिया है, तो बाद में उसके ऊपर कोई विचार विनिमय नहीं होगा, बाद में तुरंत बैठ के फिर कोई तोड़ेगा नहीं नियम को, यदि चेंज ही करना है तो फिर सब लोग बैठ के विचार विनिमय करके फिर बाद में उसको बदलेंगे, तोड़ेंगे नहीं। तोड़ना और बदलना इसमें फ़र्क है, कोई तोड़ेगा नहीं। एक बार आपने कायदे कानून घर में बना दिए, फॉर एग्जाम्पल सब ने ऐसा कायदा कानून बना लिया, सब मिल के फिर रात का खाना एक साथ में सब लोग खाएंगे। अब ये हमने कायदा बना लिया घर में कि रात का खाना सबने एक साथ में बैठ के खाना है और रात को 9 बजे बैठेंगे, तो वो आपका कानून हो गया, उसका पालन आपने सबने करना चाहिए, फिर किसी ने कारण देना नहीं है। वैसे ऐसा कानून है कि नहीं झूठ कोई बोलेगा नहीं, या कोई बोलता है कि नहीं खाना खाने के बाद में अपनी थाली उठा के खुद जाके धोने के लिए बेसिन में रख देगा, तो वो अनुशासन बच्चों को सिखाना पड़ता है। एक बार रूल बना लिया तो उसका पालन करना है, तोड़ने का नहीं है, हाँ चेंज कर सकते फिर से बैठ के, तो ये तीसरा बता दिया। चौथा जो है वो टाइम देना चाहिए बच्चों को, बच्चों के साथ में खेलना, उनके साथ में बैठना, उनकी सुनना, स्कूल में क्या हो गया, क्या चल रहा है, किसके साथ में झंझट झगड़ा हुआ है, उसको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, तो उसके साथ में बैठ के वो जो खेलना चाहता है उसके साथ में खेलना है, तो उसको बहुत मज़ा आएंगी और उसका टाइम भी अच्छा जाएगा और बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग अच्छा होगा। फिर पांचवा है कि आप बच्चों के सामने अपना खुद का रोल मॉडल बनो, मतलब आप उसके सामने एक मॉडल हो। क्या होता है कि लड़के के सामने उसके डैडी, उसके पिताजी उसका एक रोल मॉडल है, वो उनके जैसा बनना चाहता है, उनके जैसे हेयर स्टाइल करेंगे, उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, वो जैसा बोलते वैसा बोलना चाहता है, तो फिर आप जैसा वो बनना चाहता है, ऐसा आपको लगता है कि मेरा बेटा ऐसा बनना चाहिए, वैसे आपने पहले बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आपको देख के वो सीखता है। लड़की ने ऐसा करना चाहिए ऐसा लगता है, तो फिर माँ ने उस तरह का बिहेव करना चाहिए ताकि वो माँ को देख देख के वैसी बन जाती है, तो आप बच्चों के रोल मॉडल बनो, ये पांचवा। फिर छठवा जो है वो है कम्युनिकेशन हरदम चालू रखो, संवाद चालू रखना है, बातचीत चालू रखना है, बातचीत करके ही समझाना है, बातचीत करके ही जो भी उसको अनुशासन लगाना है बातचीत करके लगाने का है, मारने का नहीं है, ठोकने का नहीं है। हाँ चिल्ला सकते हैं और वो भी ड्रामा पार्टी, बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत समय तक नहीं करना है, तो हरदम संवाद चालू रखना है, कम्युनिकेशन चालू रखना है, कम्युनिकेशन बंद नहीं करना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी ऐसा माँ बोलती है, और फिर दिन भर बात नहीं करेंगी तो फिर प्रॉब्लम होता है। अब हाँ माँ ऐसा बोल सकती है मैं तुम्हारे साथ में 10 मिनट बात नहीं करूँगी, तुमने ऐसा किया मुझे अच्छा नहीं लगा,
आपने कायदा तोड़ा, अभी मैं 10 मिनट बात नहीं कर सकूँ, ठीक है बात नहीं किया 10 मिनट चलता है, मगर बात तोड़ देना, बंद कर देना बातचीत, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो संवाद हरदम शुरू रखना है। नेक्स्ट जो है कि प्यार करो बच्चों के ऊपर अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशंस नहीं, कोई भी स्थिति नहीं है, कोई भी कंडीशंस डाल के कि नहीं ऐसा करेंगे तो ही प्यार करेंगे, ऐसा करेंगे तो ही प्यार करेंगे, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। अनकंडीशनल लव बच्चे के ऊपर करना चाहिए। और आठवां जो है वो एक खुद की मर्यादा समझो, अपने लिमिटेशंस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो एक समझ के ही आपने करने का है। क्या होता है कि आप कुछ भी बोल देते हैं, ये शनिवार रविवार को हम टूर पे जाएंगे, पिकनिक को जाएंगे, मालूम है कि शनिवार रविवार जमने वाला नहीं है, झूठा बोलेंगे, झूठा आश्वासन देंगे, मालूम है कि इतना खर्चा नहीं कर सकेंगे, तभी वो बोलेंगे नहीं नहीं ये खर्चा कर लेंगे। तो आपकी लिमिटेशन जो है वो समझ के ही बातचीत करनी है, क्योंकि बच्चा आपको हर बार देख रहा है, इमिटेट कर रहा है, तो फिर आप यदि झूठा काम करेंगे, झूठे आश्वासन देंगे, झूठे तरीके से पेश आएंगे, बच्चा भी वैसा करेंगे। इसलिए अपनी मर्यादा, अपना जो लिमिटेशंस है वो समझ के ही काम करना है, ताकि आपका बच्चा भी वैसे ही आगे चल के बिहेव करेगा। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, नंबर एक आत्मसम्मान, नंबर दो कैच देम डूइंग गुड, नंबर तीन अनुशासन, नंबर चार टाइम देना, नंबर पाँच रोल मॉडल बनना, नंबर छः संवाद शुरू रखना, नंबर सात प्यार करना, नंबर आठ अपनी मर्यादा समझना। ये आठ टिप्स है कि ये टिप्स ध्यान में रखते हुए आप बच्चों की परवरिश करते हैं तो आपका बच्चा डेफिनेटली कल का आदर्श नागरिक हो जाएगा। आप जो भी उसके लिए गोल्स तैयार करेंगे शायद वो हासिल करेगा, वो खुद के लिए जो भी गोल्स तैयार कर रहा है वो हासिल कर सकेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी पेरेंट्स को ये शेयर करो। आपको इसके बारे में कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर नीचे दिया हुआ है वो नंबर पर कॉल करो। वैसे एक लिंक दी हुई है उसके ऊपर एक नाममात्र शुल्क आप भर सकते हैं 150 रुपया, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, मेरे से बातचीत करके फिर आपको जो भी उसका नतीजा है वो बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।